हमारी हिफाजत की जाए, हमारे जानों जान की, माल की, प्रॉपर्टी की, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी एक स्टेट की, और स्टेट अभी तक ये जिम्मेदारी निभाने में नाकाम है। हाँ, स्टेट अगर कुछ जिम्मेदारी निभा रही है तो वो स्क्रीनिंग ऑफ एविडेंस करती है, वो रातों रात जले हुए घरों में चुनाव फेर देती है, वो एक मरा हुआ बंदा उठा के CMH वहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसकी मसनूई सांसें बहाल की जाती है, जब अच्छा वक्त होगा तो हम इसको डिक्लेयर करें। हाँ, ये स्टेट का है, स्टेट का काम तो जो होता है वो बिल्कुल नाकाम है, और ऊपर से स्टेट हम पे इल्ज़ाम लगाती है और अपने उन शर्मसंद ले पालकों के साथ मिल के वो कहती है हमें कि आप अपने लोगों को समझाएंगे ये काम करना, हमारे लोग तो सोच भी नहीं सकते। मैं आज बांगे धोल कहता हूँ कि कोई भी पाकिस्तान का मसीही अकलीती फर्द पुराने पाक की प्रवृत्ति का सोच भी नहीं सकता। हम रसूल पाक की बेहद इज्जत करते हैं और पुराने पाक की या किसी भी मजहब की हम उसके अकायद को कभी भी पाकिस्तान का मसीही कभी भी उन्नति का सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये हम पे एक और तोहमत लगाने की कोशिश की गई है कि जब आप अपने शर्मसंदों को काबू नहीं कर सकते तो आपने एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अकलीतें खुद करती हैं, हमें किसी मुल्क में साइलम नहीं चाहिए, हमें किसी मुल्क का कोई मुफाद नहीं चाहिए, हम पाकिस्तानी हम यहाँ रह रहे हैं, इसलिए आप हम पे मत इल्ज़ाम लगाएं कि हम शायद वीज़े लेने के लिए या कोई और काम करने के लिए किसी की दिल आज़ारी करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं इस बयानी को मुस्तरद करता हूँ और मैं रियासत एक दफ़ा फिर अपने साथियों से मुतालबा करता हूँ कि खुदारा आप पोछ के नाखून लें इससे पहले कि हालात बहुत ख़राब हो जाएँ, यहाँ पर हमारे लोग जॉब दर जॉब बॉर्डरों की तरफ जाना शुरू हो जाए और किसी और मुल्क से रिक्वेस्ट करें कि हम यहाँ पे हमें कोई पनाह मुयसर नहीं है, हमारी जानो माल महफूज नहीं है, हमारी बेटियों की इज्जतें नहीं महफूज। तो इस बिल्कुल मैं आपको ये विसल ब्लोअर के तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की नौबत आ गई है, आप सिर्फ अपनी एजेंसी की रिपोर्ट पर ना रहे, आप हकीकी मालूम है आप आम लोगों से मिले कि वो क्या सोच रहे हैं। तो ये सानहा एक दफ़ा फिर हमें झंझोड़ता है और मैं समझता हूँ कि आज शहीद शहबाज भट्टी हमारे कायद हमें उनकी याद सताती है कि उन्होंने इन हसास मजहबी कवानीन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अपनी जान का नजराना दिया और आज हम उनके सिपाही यहाँ पे मौजूद है, हमें बिल्कुल अपना जान हथेली पर रख के हम खड़े हैं। मैं आज एक दफ़ा फिर मुतालबा करता हूँ कि ये जो सेंसिटिव रिलीजियस लॉ है सेक्शन 295(b)(c) ताज़ीरात पाकिस्तान, इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए क्योंकि ये बनाया आपने इसलिए था कि लोग कानून को हाथ में ना लें, तो जब आप लोग कानून को हाथ में खुद मॉब जस्टिस कर रहे हैं तो फिर इस कानून का जवाब मांगें।